ओके, तो बाइक का सबसे पहला फीचर, सबसे बेस्ट फीचर ये है कि बाइक की कॉस्ट, ये बाइक तकरीबन 1,84,000 रुपीज़ में आती है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इसके कंपैरिजन में जो कोई भी बाइक्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल KTM 390, TVS अपाचे RR 310, एंड ये दो बाइक्स फ़िलहाल है कंपैरिजन में जो कि 2 लाख के ऊपर अवेलेबल है फ़िलहाल, क्योंकि टीवीएस अपाचे RR 310 आपको 2,51,000 में आती है और KTM 390 आपको तकरीबन 2,70,000+ में आती है। सो प्राइस पॉइंट सबसे फर्स्ट है इसका प्राइस, विच इज़ 1,87,000 रुपीज़ ऑन रोड, ड्यूअल चैनल ABS, एकदम बेस्ट। दूसरा पॉइंट बोलूँगा इस बाइक का हेडलाइट। ओके, बाइक का हेडलाइट सबसे बेस्ट है, इट्स ऑसम। ओके, क्योंकि ये लाइट नाइट के टाइम इतना असली रूप दिखा देता है, हाईवे टोटली ग्लो हो जाता है रात के टाइम, सो इट इज़ वेरी सेफ टू राइड इन द नाइट, इसलिए बोलते हैं वो लोग डोमिनेट द नाइट, मेरे ख्याल से हेडलाइट की वजह से ही बोल रहे हैं लोग। ओके, सो आ गए हम अभी थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट भी लाइट्स के बारे में ही है। हेडलाइट तो LED है, बट डोमिनार में आपको इंडिकेटर्स प्लस टेल लाइट पूरा LED सेटअप आता है, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज LED का जो एमिशन होता है एज़ कम्पेयर टू दिस बल्ब्स, जो नॉर्मल 12 वोल्ट्स के बल्ब रहते हैं, कंपेयर टू दिस बल्ब्स LED का एमिशन ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप हाईवे पे चलाते हैं और थोड़ा फॉगी वेदर है, तो वो फॉगी वेदर में भी LED इंडिकेटर्स ग्लो करते हैं, विच इज़ वेरी सेफ वाइल राइडिंग इन विंटर्स और इन अ फॉगी सिचुएशन। सो थम्स अप फॉर डोमिना फॉर दिस, बिकॉज कंपैरिजन में कोई कोई कंपनियां ऐसी हैं जो अभी भी बल्ब वाले इंडिकेटर्स दे रही है। आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आ जाते हैं हम अभी बाइक के फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट ऐसा है कि बाइक का कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है। ये मैं आपको एक अलग वे में एक्सप्लेन करूँगा, दिस इज़ थोड़ा टेक्निकल। ओके, पहले बाइक की जो सीट है, सीट इज़ सॉफ्ट, बैठने पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हाईवे पे कंटिन्यूस चलते रहेंगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सीट तो सॉफ्ट है। प्लस अभी जो बाइक में रियर सस्पेंशन, जिसको बोलते हैं मोनो सस्पेंशन, जो दिया गया है वो भी सॉफ्ट है। सो एडिशन में आपको एक कंफर्टेबल सीट मिल रही है, प्लस आपको एक ब्लश सस्पेंशन भी मिल रहा है। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको हाईवे में मिलता है, जिसकी वजह से आपकी राइड एकदम स्मूथ हो जाती है, बेस्ट राइड फॉर लॉन्ग आवर्स। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। सो ये है बाइक के कंफर्ट के बारे में। हाँ, एक और चीज़ तो भूल ही गया, बाइक का हैंडल बार अपराइट है, सो आप एकदम आराम से स्ट्रेट बाइक चलाते रहते हो, नो मोर बैक पेंस। आ गए हम अभी फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट ये है कि बाइक की जो इंजन की पावर डिलीवरी है वो बहुत लीनियर है, यानी फर्स्ट टू सिक्स्थ गियर, हर एक गियर में पावर डिलीवरी इक्वली डिवाइड की गई है। फर्स्ट में जितनी चाहिए उतनी दी गई है, सेकंड में जितनी चाहिए उतनी दी गई है, टिल द सिक्स्थ गियर। सो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट, बिकॉज ये फीचर के वजह से आपको एनीवेज हाईवे पे तो चलाने मज़ा ही आता होगा, बट सिटी में राइड करते वक्त इसे और भी ज़्यादा मज़ा आता है। बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट के बारे में, ये है बाइक का वेट। अभी आप बोलो कि बाइक का वेट तो ज़्यादा है, इट्स अराउंड 183 kg, ये तो बहुत हैवी बाइक है, मज़ा नहीं आता है। तो अभी ये बाइक का एडवांटेज ऐसा है कि आप जब भी आप हाईवे पे चलाते हो, दिस काइंड ऑफ हैवी बाइक गिव यू स्टेबिलिटी,
स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है जैसे बुलेट को मिलती है, बट अनफॉर्चुनेटली बुलेट की पावर डिलीवरी उतनी नहीं है जितनी डोमिनार में अवेलेबल है। ऑल्सो इन द सेवन पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि बाइक की साइज़ एंड बाइक का अपीरियंस बहुत अच्छा है, विच इज़ लुक, यानी ऑलमोस्ट नोटिसेबल है, कोई भी मुड़ के देखने लायक ये बाइक है। ये तो बात ठीक है, शोबाजी की बात बाजू में रखते बाइक, अभी ये बाइक बहुत बड़ी है, सो अभी ये बाइक में एक एडवांटेज ये है कि जब भी आप मॉडिफिकेशंस करने जाते हो तो यू हैव एम्पल ऑफ स्पेस, बहुत स्पेस है आपको मॉडिफिकेशन करने के लिए, विच यू कैन गेट इन अदर बाइक्स, सो मॉडिफिकेशंस इज़ वेरी इजी ऑन दिस बाइक, स्पेशली इफ़ यू वांट टू मेक दिस बाइक इनटू एन हार्ड कोर टूरिंग कैटेगरी बाइक, यू नो व्हाट आई मीन, सैडल बैग्स, पैनियर्स, वाइजर, हैंड गार्ड्स, जो कुछ करना है सब कुछ कर सकते हो इस बाइक पे। एट पॉइंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाइक का कॉस्ट अभी 2 लाख के अंदर है, ओके, तो 2 लाख के अंदर आपको अभी कौन सी भी कंपनी इंडिया में फ़िलहाल तो ABS प्रोवाइड करने वाली अवेलेबल नहीं है, सो डोमिनार इज़ प्रोवाइडिंग यू ड्यूल चैनल ABS फॉर योर सेफ्टी, सो ABS बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से ABS मैंडेटरी भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर से फॉर एवरी बाइक्स, सो ABS इज़ द बेस्ट पॉइंट, बाकी के पॉइंट्स कवर करने के मामले में ABS इज़ द बेस्ट। ओके, सो आई होप मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, मेरे ख्याल से मैंने 8 पॉइंट कवर किए हैं इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है, सो यू कैन प्लीज़ रिमाइंड मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं फ्यूचर में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे चैनल का नाम है कारपेंटर VJ। ऑल्सो मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम ID इज़ सेम carpenter VJ। और नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी TVS Apache RR310, द गुड पॉइंट्स ऑफ TVS Apache RR310, बिकॉज द बाइक सच में अच्छी है, थोड़ी सी ओवर प्राइज है, विल डिस्कस अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। सो नमस्ते, टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय।